आप सभी का स्वागत करते हैं माँ की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल की बर्फी, जो कि बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाएगी। जो मार्केट से हम बर्फी लाते हैं वो काफ़ी महंगी आती है, तो घर पर हम कम खर्चे में ये आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गैस पर कोई कढ़ाई या पैन रखेंगे गर्म करने के लिए, और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। तो इसके अंदर मैंने एक कटोरी तिल डाले हैं। जो तिल मैंने लिए हैं वो सफ़ेद वाले तिल हैं, तो इसको भून लेंगे। तो इसको भूनने में करीब हमें 2 मिनट का टाइम लगेगा। तिल का हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है। जब ये भून जाएंगे तो चटकने लगेंगे और पैन से बाहर निकलने लगेंगे, तो समझिए कि आपके तिल भुन करके तैयार है। तो देखिए, तिल को ठंडा होने रख देते हैं। इसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें एक कटोरी चीनी डाल देंगे। तो चीनी हमने उसी कटोरी से ली है जिस कटोरी से तिल लिए थे, तो उसी हमें कटोरी का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद इसमें मैंने आधा कटोरी नारियल का पाउडर डाला है, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी बोलते हैं, और इसका बारीक पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। ये बर्फी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। और क्योंकि हम इसे तिल से बना रहे हैं तो ये काफ़ी फायदेमंद भी होती है और इसकी तासीर गर्म भी होती है, तो सर्दियों में इसे खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो देखिए, तब तक हमारे तिल भी ठंडे हो गए हैं, तो तिल को भी हम जार में डाल लेंगे। और तिल को हमें बिल्कुल हल्का सा चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना, एकदम इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है। बस कुछ सेकंड के लिए मिक्सी को चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे, इतना ही चलाना है। तो देखिए, तिल हमारे पिस गए हैं। अगर ज़्यादा चला देंगे तो तिल ऑयल छोड़ देंगे, तिल के अंदर काफ़ी ऑयल होता है, तो इसलिए आप बस कुछ ही सेकंड के लिए चलाइएगा। तो इसके बाद उसी पैन को दोबारा से रखेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, और फ्लेम को हमें लो ही रखना है। तो इसके बाद हम जो तिल का पाउडर है वो पैन के अंदर डाल देंगे, और इसमें करीब 1 चम्मच हमने देसी घी डाला है। तो देखिए, गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, तो इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो देखिए, तिल थोड़ा सा भून गए हैं, जिससे कि जो इनका ऑयल है वो थोड़ा सूख जाए। इसके बाद इसके अंदर जो चीनी का पाउडर है वो डाल देंगे, और पाउडर को भी तिल के अंदर अच्छी तरह से मिला देंगे। तो देखिए, चीनी का पाउडर और तिल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। इसके बाद इसमें हमने करीब 3 से 4 चम्मच दूध डाला है। दूध हमें नॉर्मल लेना है, ठंडा या गर्म नहीं लेना है। तो देखिए, इसके बाद हम इसमें करीब आधा कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आप लोगों के पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें आधा कटोरी मावा भी डाल सकते हैं। अगर मावा भी नहीं है तो आप आधा कटोरी मलाई भी डाल सकते हैं। जो आप लोग दूध से मलाई निकालते हो उसको डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे, तो मिल्क पाउडर डालने से इसके अंदर बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट आएगा। तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने ये बर्फी मावा से बनाई है। तो देखिए, हमारे यहाँ जो बर्फी का पेस्ट है वो तैयार हो गया है। उसके बाद हम कोई भी बर्फी जमाने वाला बर्तन लेंगे, या आप लोग कोई भी मिठाई का डिब्बा ले सकते हैं। उसके बाद पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे, और इसमें आप पिस्ता, काजू या बादाम की कतरन डाल सकते हैं। अगर आपको कतरन नहीं डालनी है तो आप साबुत तिल भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको जमाने के लिए रख देंगे, और किसी कटोरी या गिलास की मदद से इसको बिल्कुल प्लेन कर देंगे, और करीब 30 मिनट में ही हमारी बर्फी जम करके तैयार हो जाएगी। तो इसमें हमें बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए, अभी बर्फी हमारी सेट हो गई है। तो इसके बाद इसको किसी बर्तन में पलट लेंगे। तो देखिए, बर्फी को हमने निकाल लिया है। इसके बाद जैसे भी आपको पीस काटने हैं वैसे पीस काट करके तैयार कर लेंगे। और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिए बर्फी कितनी सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। जब ये बर्फी आप किसी को खिलाओगे तो किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने ये घर पर बनाई है और बिना मावा के बनाई है। आगे फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।